मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवें सर्वाधार मंगलमय मंगल करन इनवा बारंबार धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कहे न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, अस्ति और नास्ति ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं। अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है। ईश्वर के लिए जो कोई अस्ति शब्द का प्रयोग करते हैं वे आस्तिक कहलाते हैं, और जो नास्ति शब्द का प्रयोग करते हैं वे नास्तिक कहलाते हैं। ईश्वर है ऐसा विश्वास जिनको है वे आस्तिक कहलाते हैं। जिनको ईश्वर में विश्वास नहीं है वे नास्तिक कहलाते हैं। नास्तिक भी दो तरह के होते हैं, एक अर्धनास्तिक और दूसरे पूर्ण नास्तिक। अर्धनास्तिक वे कहलाते हैं जो जीव में विश्वास करते हैं किंतु ब्रह्म में विश्वास नहीं करते। पूर्ण नास्तिक वे हैं जो न तो जीव को मानते हैं और न ईश्वर को मानते हैं। प्रचलन यही है, लोग यही मानते हैं। जो ईश्वर को मानते हैं उनमें भी कुछ कमजोरी वह हो जाती है कि कहते तो ईश्वर हैं लेकिन उसको दृढ़ता पूर्वक मानते नहीं हैं। जितने अंशों में नहीं मानते हैं उतने अंशों में उनको भी नास्तिक कहा जा सकता है। जो कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, उनका तर्क है कि जब हम देखते नहीं हैं ईश्वर को तो फिर हम माने क्यों। एक आचार्य अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे ईश्वर है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ईश्वर है तो देखते कहाँ हैं, अगर देखते नहीं तो फिर माने हम क्यों। गुरु शिष्य दोनों वट वृक्ष के नीचे बैठे थे,
आचार्य ने कहा कि बड़ का एक फल ले आओ, बतलाता हूं तुमको। शिष्य ने उस पेड़ का एक फल लाया, आचार्य के सामने रखा। आचार्य ने कहा किस फल को तोड़ो, छिलके हटाओ, फल के ऊपर से छिलका हटा दिया गया। आचार्य ने पूछा छिलके हटाने पर इसके अंदर तुम क्या देखते हो? शिष्य ने कहा कि जो अनेक दाने हैं इसमें। आचार्य ने कहा उन अनेक दानों में से एक दाना तुम अपने हाथ में लो। शिष्य ने एक दाना निकाल लिया। आचार्य ने कहा इस दाने को भी तोड़ो। शिष्य ने उस दाने को तोड़ा। आचार्य ने पूछा कि अब क्या देखते हो तुम? तो कहा अब देखता हूं कि दो दालें हैं इसमें। आचार्य ने पूछा उन दो दालों के बीच में क्या है? शिष्य ने उत्तर दिया कि दो दालों के बीच में कुछ नहीं है। आचार्य ने कहा कि जिसको तुम कहते हो कि कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, उसी से इतना बड़ा वृक्ष हुआ है। दो दालों को दो जगह तुम रख दो, पेड़ नहीं निकलेगा। ये दो दालें एक साथ हैं और बीच में कुछ नहीं है, उसी से यह पेड़ बन गया है। उसी तरह जिसको तुम कुछ नहीं कहते उसी से यह सारी सृष्टि हो गई है, वह परमात्मा है। जब तुम किसी एक निर्जन वन में जाओ, एकाएक तुमको वहां एक मूर्ति दिख पड़े, तो तुम्हारे मन में क्या उत्पन्न होगा, क्या विचार उत्पन्न होगा? क्या तुम्हारे मन में यह विचार उत्पन्न नहीं होगा कि इस निर्जन वन में एक मूर्ति कहां से आ गई? कोई न कोई इसका बनाने वाला है। तो जब निर्जन वन में तुम एक मूर्ति को देखकर उसके निर्माणकर्ता की कला की कल्पना करते हो, होने की कल्पना करते हो, तो इतनी बड़ी सृष्टि हो गई क्या बिना कर्ता के ही? एक मूर्ति को देख के तुम्हारी विचारधारा बतलाती है कि कोई न कोई इसका निर्माण करता है, तो इस सृष्टि को देख करके तुम्हारे मन में कैसे नहीं हो सकता है कि इसका भी कोई निर्माण करता है? इसका जो निर्माण करता है वही परमात्मा है। आज हम देखते हैं विविध प्रकार के यान चलते हैं, उन यानों पर चालक होता है और सुशिक्षित चालक होता है। चाहे कार हो कि ट्रेन हो कि प्लेन हो, उसका चालक होता है। लेकिन फिर भी ऐसा भी सुना जाता है कि आज अमुक जगह ट्रेन दुर्घटना हुई तो अमुक जगह प्लेन दुर्घटना हुई, अनेक जगह अमुक जगह में कार दुर्घटना हुई, ये दुर्घटना की बातें हम सुनते हैं। जब एक एक यान पर एक एक चालक है तब तो घटनाएं घटती ही रहती हैं, लेकिन हम
आकाश की ओर देखते हैं, असंख्य तारे हैं, वे सारे के सारे चलते हैं, लेकिन कभी एक्सीडेंट होता ही नहीं, उसका चालक कौन है? पृथ्वी चलती है, सूर्य चंद्र तारे, ये सारे के सारे चलते हैं, फिर भी एक्सीडेंट कभी नहीं होता, क्या इसका कोई चालक नहीं है? वह कितना कुशल चालक है कि कभी एक्सीडेंट होता ही नहीं है, वही परब्रह्म परमात्मा। परमात्मा को देखने के संबंध में कि हम देखते नहीं तो माने क्यों? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन चीजों को हम नहीं देखते हैं फिर भी हम मानते हैं। हम डॉक्टर के यहां जाते हैं बीमार होकर, डॉक्टर हमारा रक्त लेता है, हमारी दृष्टि में वह केवल रक्त है, लेकिन डॉक्टर जब यंत्र लगा करके देखते हैं तो देखते हैं इस रक्त में अमुक रोग का कीड़ा है, और डॉक्टर उस कीड़े को मारने के लिए दवाई देते हैं। तो इन आंखों हम तो कीड़े को नहीं देखते हैं, फिर उस कीड़े में जो जीवनी शक्ति है, जो कीड़ा जीवित है, जिसको मारने के लिए डॉक्टर दवाई देते हैं, तो जब उस कीड़े के अंदर का जो जीवन है, जीवनी शक्ति है, उसको हम नहीं देखते हैं, तो उस कीड़े में जो जीवन शक्ति का प्रदाता है, उनको इन आंखों हम कैसे देखेंगे? बंगाल के एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अमेरिका गए थे, उनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। वहां के वैज्ञानिकों ने इनके साथ परिहास किया कि ये उस देश से आए हुए हैं जहां के लोग कहते हैं कि शंख बाजे बलाई भाजे। भला कहीं ऐसा भी कहीं होता है कि शंख के बजने से और बला भाग जाए? जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि हमारे यहां के जितने कार्यकलाप हैं वे सारे के सारे विज्ञान सम्मत हैं। शंख बाजे बलाई भाजे, यह सत्य तथ्य है, असत्य नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो आप लोग एक शंख लाइए और आप वैज्ञानिक लोग अपना अपना अनुवीक्षण यंत्र लेकर के आइए, माइक्रोस्कोप। मैं सिद्ध कर दूंगा कि शंख बाजे बलाई भाजे है कि नहीं। वहां के वैज्ञानिकों के मन में भी एक कौतूहल सा हुआ कि देखें भारत का आया हुआ वैज्ञानिक क्या बतलाता है, क्या दिखलाता है। वे सब के सब अनुवीक्षण यंत्र लेकर के आ गए और एक शंख भी। जगदीश चंद्र बोस ने कहा शंख तो मेरे हाथ में दे दीजिए और अनुवीक्षण यंत्र आप लोग अपनी अपनी आंखों में लगाइए। उन वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी आंखों में अनुवीक्षण यंत्र लगाया। जगदीश चंद्र बोस ने पूछा कि आपने जो यंत्र लगाया है, संसार में आप क्या देखते हैं? कुछ दिखता है यंत्र लगाने से? तो वैज्ञानिकों ने कहा हां, संसार कीड़ों से भरा पड़ा है, कीड़े ही कीड़े हैं। जगदीश चंद्र बोस ने शंख को जोर से फूंका
जब जोर की आवाज हुई तो वे कीड़े सब मरमर करके नीचे गिरने लग गए। तो जगदीश चंद्र बोस ने पूछा कि अब आप लोग क्या देखते हैं? उन वैज्ञानिकों ने कहा हम देखते हैं कि कीड़े सब मरमर करके गिर रहे हैं। जगदीश चंद्र बोस ने कहा यही है शंख बाजे और बलाई भाजे। जिन कीड़ों को हम नहीं देखते हैं, कितने छोटे छोटे कीड़े हैं, वे हमारी आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, कान के द्वारा, रोम कुंपों के द्वारा शरीर में प्रवेश करके रोग पैदा करते हैं। और जो शंख बजाने से मरमर कर गिरते हैं, तो शंख बाजने से वो बला भग गई। इसलिए किसी साधक ने कहा है इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, इससे परमात्मा दिखे हंसी आएगी। हम लोगों का शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हम लोग मिट्टी देखते हैं, जल देखते हैं, अग्नि देखते हैं, लेकिन हवा को देखते हैं? हवा का स्पर्श होता है तब मालूम होता है, लेकिन हवा को हम लोग देखते नहीं। हवा का तो स्पर्श होता है किंतु आकाश का तो स्पर्श भी नहीं होता, फिर भी हम लोग पांच तत्व मानते हैं। ऐसा क्यों? तीन तत्व को हम लोग देखते हैं और दो को नहीं। परमात्मा ने जो सृष्टि की है उस ओर दृष्टि करने से इस विषय की परिपुष्टि हो जाती है कि रचना सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर हुई है। पांच तत्वों में सबसे पूर्व का तत्व क्या होगा, क्या होना चाहिए? इन पांच तत्वों में सबसे पूर्व का आकाश होगा। आकाश कहते हैं अवकाश को। अगर आकाश ही नहीं, अवकाश ही नहीं, तो हवा कहां चलेगी, अग्नि कहां रहेगी, जल और मिट्टी के लिए स्थान कहां? इसलिए सबसे पूर्व का आकाश तत्व है। उससे पश्चात का तत्व वायु है। इसलिए जो पूर्व का तत्व है उसकी अपेक्षा पर का तत्व स्थूल है। इसलिए आकाश से वायु स्थूल है, इसलिए उसका स्पर्श मालूम पड़ता है। वायु के बाद अग्नि तत्व हुआ है। तो अग्नि तत्व उससे मोटा है, इसलिए हम इन आंखों देख लेते हैं। अग्नि के बाद जल तत्व है, अग्नि से मोटा है जल। तो जल को हम चुल्लू में ले सकते हैं, लेकिन अग्नि को चुल्लू में नहीं ले सकते हैं। उसके पीछे है पृथ्वी। इन पांच तत्वों में सबसे मोटा तत्व है पृथ्वी। उसके ढेले को हम ऐसे उठा सकते हैं, पानी को ऐसे उठा नहीं सकते हैं। तो जो जितना पूर्व का होता है वह उतना ही सूक्ष्म होता है। पृथ्वी से सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है वायु, वायु से सूक्ष्म है आकाश। लेकिन आकाश के भी जो पूर्व का तत्व है वह कितना सूक्ष्म होगा,
एक संत का कथन है, भूमि पर अप आप हु के परे पावक है, पावक के परे पुनि वायु हु बहत है, वायु के परे व्योम, व्योम हु के परे इंद्रिण दस, इंद्रिण के परे अंतःकरण रहत है, अंतःकरण पर तीन गुण अहंकार, अहंकार पर महतत्व को लहत है, महतत्व पर मूल माया, माया पर ब्रह्म, ताहिते परात पर सुंदर कहत है। अब कल्पना कीजिए वो कितना पूर्व का है और कितना सूक्ष्म होगा। जो जितना सूक्ष्म होता है उसकी व्यापकता उतनी ही अधिक होती है। इसलिए परम रूप परमात्मा सबसे पूर्व का होने के कारण वह सब में व्यापक है। और किस तरह व्यापक है? प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाई, उनकी व्यापकता आकाश के समान है। ऐसी कौन सी जगह है जहां आकाश नहीं हो? उसी तरह वह परम रूप परमात्मा कहूं सो कहां, जहां प्रभु नाही वह सर्वत्र है। ठोस से ठोस पदार्थ है, लोहा का गोला है, ठोस है, लेकिन फिर भी उसके अंदर आकाश है। कितना भी ठोस हो फिर भी उसके अंदर आकाश है। कहेंगे उसके अंदर आकाश कैसे है? उस लोहे के गोले को आग में आप डाल दीजिए, भाथी के सामने दे दिए, ढोकनी से दे दिए, देखते देखते आप देखेंगे कि लोहा का जो गोला वो काला था वह लाल हो गया है, आग में पड़ करके वह भी आग ही हो गया है। जब तक उसमें खाली स्थान नहीं था तो गर्मी घुसी कैसे? उसमें गर्मी घुसी वह लाल हो गया गोला, अवकाश था इसलिए उसमें गर्मी घुस गई। तो आकाश सर्वत्र है, उसी तरह वह परम पुरुष परमात्मा सर्वत्र है। दुनिया की जितनी चीजें हैं वे सारी की सारी चीजें शांत हैं। पृथ्वी देखिए शांत है, शांत माने अंत सहित। पृथ्वी गोल है या गोलाई उसकी सीमा बतलाती है। चंद्र गोल है, सूर्य गोल है, ये तारे सब जितने देखते हैं सब गोल गोल है। यह गोल क्या बतलाता है? वह सीमा निर्धारित करता है। तो दुनिया की जितनी चीजें हैं सारी चीजें ससीम हैं। उन सारी ससीम चीजों को एक जगह एकत्रित करने से ससीम का मंडल एक बहुत बड़ा हो सकता है, विस्तृत हो सकता है, किंतु वह असीम नहीं होगा। तब जिज्ञासा होगी कि उन सारे ससीमों के पार में क्या है, सारे शांतों के पार में क्या है? उत्तर होगा सारे शांतों के पार में अनंत है। अगर कोई पूछता है कि अनंत के पार में फिर क्या है, तो इसका अर्थ यह हो जाएगा वह बेचारा अनंत शब्द का अर्थ ही नहीं जानता है। अनंत नो अंत अनंत, जिसका अंत ही नहीं उसके पार में क्या होगा? और जो अनंत तत्व है वह सर्वत्र है, वह इतना सूक्ष्म है परमात्मा। यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था, कठोपनिषद में लिखा है,
वायुर यथेको भुवनंग प्रविष्टो रूपंग रूपंग प्रतिरूपो बभुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपंग रूपंग प्रतिरूपो बहिश्च। जिस तरह इस लोक में प्रविष्ट वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उससे बाहर भी है, उसी तरह वह परम पुरुष परमात्मा सब में रहते हुए भी सबसे बाहर भी है, और कितना बाहर है उसका अंदाजा ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह स्वरूपतः अनंत है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, बस्ती न शून्यं, शून्यं न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा गगन शिखर मह बालक बोलहि, वाका नाम धरोगे कैसा। बस्ती न शून्यं, बस्ती माने भरा हुआ, शून्यं माने खाली। संसार में जो हम देखते हैं, चाहे हम बस्ती देखते हैं चाहे शून्य स्थान देखते हैं, लेकिन उस परमात्मा के लिए न भरा हुआ कहा जा सकता है न खाली कहा जा सकता है। वह अगम, क्योंकि वह बुद्धि से परे है, अगोचर है, इंद्रिय अग्राह्य है, वह ऐसा तत्व है। एक यात्री कोई यात्रा कर रहा था, रास्ते में जंगल मिला, उस जंगल में एक साधु बाबा बैठे हुए थे। यात्री ने साधु बाबा से पूछा कि बाबा बस्ती कितनी दूर पर मिलेगी। तो बस्ती, अरे जंगल पार करोगे बस्ती तुमको मिल जाएगी। वह चलता गया, जाते जाते जंगल पार कर गया तो वहां देखा कि श्मशान है, बस्ती नहीं श्मशान घाट। वह यात्री लौट करके आता है और कहता है कि बाबा आपने तो कहा कि जंगल पार करो तो बस्ती तुमको मिलेगी, वहां बस्ती तो नहीं है, वो तो श्मशान घाट है। साधु आवानकारी, तुम बस्ती किसको कहता है? अरे बस्ती तो उसको कहते हैं जहां लोग बसते हैं, वही ना। तो जी हां, तो कहा बस्ती जिसको तुम कहते हो वहां के लोग जब मरते हैं तो वहीं जाकर बसते हैं, इसलिए वो है बस्ती। जिसको तुमको बस्ती वो तो है उजाड़, लोग मरते हैं रोज रोज, यहां से वहां जाते हैं यहां से वहां जाते हैं। तो अब उसके लिए क्या कहें, हम इसको बस्ती माने कि उसको उजाड़ माने, उसको उजाड़ माने कि इसको बस्ती माने, किसको माने। संत कबीर साहब कहते हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं अगम अगोचर, उसी तरह संत कबीर साहब भी कहते हैं नैना बैन अगोचरी। वह नैन बैन से भिन्न है, वह नैन से ग्रहण करने योग्य नहीं है और बैन से कहने योग्य नहीं है। अगोचर, अगोचर, अमान नहीं। हम लोग गोचर भूमि किसको कहते हैं, जहां जाकर गाय चढ़ती है भैंस चढ़ती है उसको कहते हैं गोचर भूमि। तो अमान नहीं, गो माने इंद्रिय, चर माने विचरण करना, जहां हमारी इंद्रियां विचरण नहीं कर सकती हैं, जहां हमारी इंद्रियां नहीं जा सकती हैं,
वह है अगोचर। तो हम लोग जो कुछ भी कहते हैं या सुनते हैं, हम लोग जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, वह इंद्रियों के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां पांच विषयों को ग्रहण करती हैं, लेकिन वह परमात्मा निर्विषय तत्व है, इसलिए कोई भी इंद्रिय उसको ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। और हमारी इंद्रियां इतनी कमजोर हैं कि एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती है, एक एक इंद्रिय के लिए एक एक काम नियुक्त है। आंख है, ये बेचारी आंखें केवल देखेगी, आंख के बगल में ही कान है, आंख का काम कान और कान का काम आंख नहीं कर सकती है। कान बेचारा केवल सुनेगा, नासिका है, ये सांस लेते हैं हम सुगंध दुर्गंध ग्रहण करने के लिए, यह नासिका है। हमारी जिभ्या है, उससे हम रसास्वादन करते हैं। हमारी त्वचा है, इससे हम स्पर्श का सर्दी गर्मी नरम मुलायम का ज्ञान करते हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन पंच विषयों का ज्ञान हम पंच इंद्रियों से करते हैं। यही पंच विषय संसार में है, अगर इसके अतिरिक्त कुछ है तो उसका ज्ञान इंद्रिय नहीं कर सकती। इसलिए अगम अगोचर ऐसा कहा गया, इसलिए नैना बैन अगोचरी कहा गया। गुरु नानक देव जी महाराज कुछ और भी साफ कर देते हैं, वे कहते हैं अलख अपार अगम अगोचर ना किस काल न कर्मा जाति अजाति अजोनी संभव ना तिस भाव न भरमा साचे सचियार बिटहु कुर्वान ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया साचे सबद निशान। ये कहते परमात्मा इन आंखों से देखे जाने योग्य नहीं है, वे हैं अलख, असीम है, उनकी सीमा नहीं है, अपार है, अगम है, बुद्धि से परे हैं, अगोचरी कोई भी इंद्रिय ग्रहण करने योग्य सक्षम नहीं है। वे काल और कर्म के घेरे के अंदर में नहीं है, किस किस्म के वे हैं कहा नहीं जा सकता। जाति अजाति अयोनि संभव, वो किसी योनि से उत्पन्न हुआ हो ऐसा नहीं है, वो न उसको भाव है न कोई भ्रम, लेकिन वह है साचे सचियार बिटह कुर्बान, उसके ऊपर अपने को न्योछावर कर दो। नातिसु मात पिता सुत बंधक नातिसु कामन नारी अपन निरंजन अपर परंपर सगली ज्योति तुम्हारी। उसके पिता नहीं है, उसकी मां नहीं है, उसके भाई बंधु कोई नहीं है। जिसके माता पिता होंगे वो तो जन्म लेने वाला होगा, तो उसके माता पिता का भी जन्म देने वाला कोई और हो जाएगा। संत कबीर साहब ने कहा है आवे जाए सो माया साधो आवे जाए सो माया है प्रतिपाल काल नहीं वा को ना कहूं गया न आया। जो जहां नहीं रहता है वह वहां से वहां जाता है, लेकिन जो सर्वत्र है ही वह कहां जाएगा और कहां आवेगा। आकाश को कोई कहां उठाकर कहां रख सकता है, आकाश कहां जाएगा और कहां आएगा। जिस तरह से आकाश कहीं जाता नहीं कहीं आता नहीं, उसी तरह वह परम परमात्मा सर्वत्र है ही, उनका कहीं आना कहीं जाना नहीं। उसके संबंध में कुछ कहना कठिन ही नहीं असंभव है, क्योंकि
इंद्रिय ग्राह्य विषय जो है उसकी अनुभूति की भी सही अभिव्यक्ति हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग खटरस भोजन करते हैं, उन खटरस भोजन जिभ्या ही उसका स्वाद लेती है, लेकिन जिभ्या बतला सकती है किसका स्वाद कैसा होता है? नमक खाया, नमकीन चीज खाई, जिसने जीवन में कभी नमक नहीं खाया है उसको आप समझा दीजिए नमक का स्वाद कैसा होता है, नहीं बतला सकते हैं। आपने ही रसगुल्ला खाया है, टिकड़ी खाया है, टिकड़ी खाई है, पेड़ा खाया है, तीनों मिठाइयां आपने एक साथ खाई, तीनों का स्वाद कैसा अलग अलग उसका भिन्न स्वाद बतला दीजिए। तो टिकड़ी कैसी लगी तो मीठी लगी, पेड़ा कैसा लगा तो मीठा लगा, रसगुल्ला कैसा लगा तो मीठा लगा। अरे वैसा तो मीठा ही मीठा है, तीनों मिठाई में अंतर क्या है सो बताओ। खाने वाली जिभ्या है लेकिन बताने वाली जिभ्या नहीं है, बता नहीं सकती। उसी तरह से ईश्वर जो इंद्रियातीत है उसके संबंध में जिभ्या क्या कह सकती है? गोस्वामी तुलसीदास जी भी अगोचर शब्द का व्यवहार करते हैं, कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का। गोस्वामी जी राम शब्द का व्यवहार करते हैं, हम लोग भी राम 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 कहते हैं, लेकिन वह राम है क्या? योगिनो यस्मिन योगिनो रमनते स रामा, जिसमें योगी जन रमन करते हैं वह है राम। रमन्ति रामा, जो सब में रमन करता है वह है राम। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वह राम कैसा? संत कबीर साहब कहते हैं राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। यह जो कुछ भी हम प्रसार देख रहे हैं, विस्तार देख रहे हैं, जैसे माया का विस्तार है, वह परम परमात्मा निरंजन है, माया रहित है। अंजन उत्पत्ति वो ओंकार, अंजन मार्या सब विस्तार, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद, अंजन गोपी संग गोविंद, अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन फोकट कथहि ज्ञान, अंजन पाती अंजन देव, अंजन की करे अंजन सेव, अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे। कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ी निरंजन लागे। ये जितने हैं सब अंजन ही अंजन है, एक निरंजन परब्रह्म परमात्मा है।